जिनके जिनके नाम से FIR है उनका नाम पढ़ लीजिए। यह लोग हमेशा इस देश के दुश्मनों के साथ, ट्विटर पर चले जाइए, इनकी ट्रेंडिंग देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया न्यूज़ में। दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद लोनी के इलाके में एक ऐसी घटना होती है जो देश को शर्मसार करती है और उस पर देश के बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी जैसे नेता और कई लेफ्टिस्ट जो हैं आगे आते हैं और रीट्वीट करते हैं और उसको एक धार्मिक रंग देते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पांडे जी। पांडे जी, एक कोई भी देश में बात होती है, कुछ भी होता है, क्यों हर बात को धार्मिक एंगल देने में लग जाती हैं विपक्षी पार्टी? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा नहीं है। जो भी हो रहा है आज देश में, इनके पास षड्यंत्र आज तक करते आए हैं, वो तो प्रभु राम की कृपा रही कि आज तक यह देश बचा हुआ है, नहीं तो यह कब का इस देश को यह टुकड़े टुकड़े में बांट दिए होते। नहीं तो आज मुद्दा क्या मुद्दा उठ रहा है? कहा जाता है कि भाजपा सांप्रदायिक है, लेकिन 370 फिर से लाने की बात कौन उठाया है? भाजपा ने उठाया क्या? दिग्विजय सिंह ने बयान दिया कि 370 हम आएंगे तो फिर लाएंगे। राम मंदिर का मुद्दा कहाँ से आ गया? सारे लोग जानते हैं कि ज़मीन में कोई घोटाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में इसी तरह से होता है कि किसान से पहले ही तय कर लिया जाता है और एग्रीमेंट कर लिया जाता है, और जब दूसरी सारा पेपर मीडिया के पब्लिक डोमेन में है, सारे लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसी तरह से प्रॉपर्टी का काम होता है, लेकिन उसमें आधा दिखा के छुपा के और षड्यंत्र करना है। अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अब उसमें चूँकि काफ़ी दिनों से, आज से नहीं चल रहा है, 2014 से ही यह षड्यंत्र चल रहा है। पहले क्या किया गया, रोहित बेमुला के नाम से दलित कार्ड खेला गया, आपको याद है जी। उसके बाद से देश को बदनाम करने के लिए दूसरा षड्यंत्र क्या होता है, एक टीम निकलती है, बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि क्या अब नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग। उसके बाद से आता है JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसके बाद से CAA के नाम पे शाहीन बाग होता है, उसके बाद से किसान आंदोलन होता है, उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर कांड होता है उसमें जो गाय जिसके घर में मिलती है उसको लेके लिंचिंग को लेके पूरे देश में वो बलात्कारी, झारखंड का मामला उठता है। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है, चूँकि मोदी जी के ऊपर कोई ब्लेम लग नहीं पा रहा है, मोदी जी के ऊपर जो ये चाह रहे हैं कि इनको हम हिटलर साबित कर दें, इनको हिंदुत्ववादी साबित कर दें, इनको समाज को बांटने वाला साबित कर दें, यह अब तक साबित करने में असफल रहे हैं। इसलिए असफल रहे हैं कि मोदी जी को इनका जो बाप है अरब, वह बुला के कौन सा इनको उदाहरण देता है, पुरस्कार, बेस्ट पूरे मुस्लिम समाज, मुस्लिम वर्ल्ड का बेस्ट नागरिक सम्मान से सम्मानित करता है हमारे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जी नारा आते हैं तो क्या देते हैं, सबका साथ सबका विश्वास, जो पूरे देश को एक करने की बात, विकास की बात, राष्ट्रवाद की बात, पुनः विश्व गुरु बनाने की बात, पुनः सोने की चिड़िया बनाने की बात, यह सब बातें जब आती है भारत प्रधानमंत्री के माध्यम से तो यह बेचैन हो जाते हैं। लेकिन इसे धार्मिक और सांप्रदायिक रंग क्यों देते हैं किसी भी मामले में? भाई अच्छा एक बात बताइए, गोधरा कांड कौन किया था? मुसलमानों ने, भगवान के राम भक्त जा रहे थे ट्रेन में, ठीक, उनको जला दिया जाता है, वह हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन गुजरात दंगे में सबसे ज़्यादा मारे कौन गए पुलिस की गोली से? हिंदू, आज भी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन बदनाम कौन हुआ? प्रधानमंत्री जी का नाम आता है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों से पुलिस की सहायता मांगी थी हमारे प्रधानमंत्री ने, किसी ने नहीं भेजा था। कभी आपने यह सुना है कि कांग्रेस ने कहा है? तो दोषी यह लोग हैं, लेकिन बदनाम करना है उनको, इसीलिए उस बूढ़े के और उस बुजुर्ग को एक षड्यंत्र के तहत से सुनियोजित, वह लोग जो उनके साथ करते हैं यह कांड, वो कौन लोग हैं, किस समाज के आते हैं, कौन लोग हैं, उनका किसका नाम आया है? सब मुस्लिम समाज के हैं, तो आपको समझना चाहिए। आखिर आज ट्विटर पर यह जो जितने जिहादी मानसिकता के लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो कन्हैया कुमार और बरखा दत्त और रवीश कुमार के ये बौद्धिक आतंकवादी जो इनके पीछे लगे, सहयोग में लगे हुए हैं, उनके ऊपर आज मुकदमा हुआ है कि नहीं?
हुआ है मुकदमा ना? अरे मुकदमा हुआ है जोगी जी, अब इनको ठीक से सबक सिखाएंगे, असली असली मज़ा अब आएगा। इनको जेल में भेज, इनकी जगह जेल में है, नहीं तो इस देश को इसी तरह से बदनाम करके। एक चीज़ बताऊं, यह सवाल उठाते हैं, इस तरह का सवाल उठाएंगे इस देश पे कि इस देश में हिंदू बिल्कुल एग्रेसिव होके मुसलमानों को रहने नहीं देता है, इसी तरह का हमेशा यही प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हर बार इनके प्रोपेगेंडा को इतनी अच्छी तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि श्री राम के भक्त इस तरीके की काम कर सकते हैं, जिस पे योगी जी ने एक्शन लिया और राहुल को रीट्वीट भी किया। अच्छा एक बात बताइए, भगवान राम के भक्तों को करना होता तो ये 500 साल वो राम मंदिर के लिए इंतजार करते? कानून में किसको विश्वास है? यह क्या बोले, यह कहे का कि हमारी सत्ता आएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट से फिर उसको मंदिर ले लेंगे? इन्होंने एक शब्द में कहा, यहाँ का जो 30% जो शांति दूत समुदाय है उसने क्या कहा कि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन हम इस मंदिर को गिरा के और मस्जिद बनाएंगे? सीधे जवाब में आया ना, सीधे वो लोग बयान दिए, 100 करोड़ पे 20 करोड़ भारी, क्या क्या, 20 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, यह सारा बयान कौन देता है? इन्हीं के समर्थक लोग इस तरह का बयान देते हैं और इसी तरह का प्रोपगंडा फैलाते हैं, लेकिन इनका प्रोपगंडा कामयाब होने वाला नहीं है। आज ट्विटर पे भी पांडे जी केस हुआ है, पहली बार भारत में ट्विटर पे FIR दर्ज हुई है ये पूरे मामले पे, कि ट्विटर ने भी ये जो पूरा मुद्दा था इसको भड़काया है और जिन लोगों ने रीट्वीट किया उन लोगों पे भी एक्शन लेगी यूपी पुलिस। क्या लगता है कि ये एक सकारात्मक कदम है इस तरीके की चीज़ों को रोक लगाने का? देखिए यह रोक लगना चाहिए, इन लोगों की जगह जेल है। यह कह रहा हूँ ना कि बौद्धिक आतंकवादी है, समाज में नफरत फैलाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र यही करते हैं। यह हमेशा सुनियोजित ढंग से इस देश में जितने जिहादी, इनका एक रोल, ये मॉडल है, एक ग्रुप है पूरे देश में, और उनके जिनके जिनके नाम से FIR है उनका नाम पढ़ लीजिए। यह लोग हमेशा इस देश के दुश्मनों के साथ, ट्विटर पर चले जाइए, इनकी ट्रेंडिंग देख लीजिए। लेकिन अब देखिए, हाथरस चले जाएंगे दलित के नाम पे, लेकिन पश्चिम बंगाल में दलित मारे जा रहे हैं वहाँ ये नहीं बोलेंगे। कठुआ कांड में एक कांड हो जाएगा मंदिर में, वहाँ पे पूरे देश में पोस्टर चिपका दिया जाएगा और हाहाकार मचा दिया जाएगा, पूरा बॉलीवुड उठ के खड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी दिल्ली के मस्जिद में क्या हुआ, पानी, और वहाँ उस डासना मंदिर में पानी पीने के लिए कितना बवाल मचाया गया कि मंदिर पानी पीने में जाओगे तो मार खाओगे, पूरे देश में हिंदू को बदनाम करने के लिए। लेकिन इसी दिल्ली के मस्जिद में बलात्कार होता है, छोटी बच्ची का बलात्कार होता है, क्या कभी ने किसी ने सवाल उठाया? क्यों नहीं उठाया? आपने कभी देखा है इन लोगों को इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए? अभी हाथरस चले जाएंगे, लेकिन नूरपुर में मुसलमान अपने घरों पर लिख देते हैं कि हम घर छोड़ने वाले हैं, उस समय किसी राहुल गांधी को सुने हैं? कभी प्रियंका गांधी को सुने हैं? कभी सोनिया गांधी को सुने हैं? या ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है इसको सुने हैं? ये अर्बन नक्सल इस देश में, ये जिहादी मानसिकता के लोग, वो तो शुक्र मनाइए कि मोदी जी और जोगी जी इस देश में संवेदन। लेकिन अब जिस तरीके से भड़का रहे हैं, रवि किशन ने बयान दिया है, बोला है कि राहुल गांधी का ट्वीट ऐसा है जिससे कि कम्युनिकल हार्मोनी हो सकती है और दंगे भड़क सकते हैं, इस तरीके के बयान है। अरे यार क्या बात करते हैं, कांग्रेस की पैदाइश इस देश को बंटवारा करने में कितने लोग मरे थे, 14 लाख। सिख दंगे में कितने लोग मरे थे, 25,000। मध्य प्रदेश में गैस त्रासदी हुआ था, ठीक, एंडरसन वाला, उसमें कितने लोग मरे थे, 20,000। ये कितने कितने लोग हैं, लेकिन 2,000 लोग उत्तर प्रदेश में, 1,000 नहीं 100 लाशें मिल गई हैं, तो पूरे देश में किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया गया? इन लोगों के वजह से इस समय तक लाखों लोग मर गए, 7 करोड़ रोहिंग्या बसा के ला के इस देश में बसा लिए हैं, जो हमारा अन्न पानी सारी सुविधा हमारा वो लोग कौन लाया, क्यों, कौन, किसने लाया? लोग कहते हैं कि बांग्लादेश हमने आज़ाद करा दिया। अरे आज़ाद करा दिया तो इस देश पर 7 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ला के बसा भी तो दिया। इनका यही तो काम है, इस देश में रोहिंग्या बांग्लादेशी को लाओ, और उसके लिए ज़रूर कहेंगे कि ये नहीं आना चाहिए, हिंदू इस देश में नहीं आना चाहिए, उसके लिए शाहीन बाग कर दिया जाएगा। कौन गया था शाहीन बाग में, किस पार्टी के लोग थे? राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़ा होता है, 370 के लिए कौन बोलता है? क्या बात करते हैं, कौन देश में नहीं जानता है? और राहुल गांधी की क्या औकात है, क्या बिसात है?
और ये जब वोट जनता देती है, जब यह इनको यूपी छोड़ के अपना संसदीय क्षेत्र जो इनके बाप दादा सब जो लड़े जहाँ से वहाँ से वायनाड जाना पड़ता है, तो यह चिल्लाते हैं, रोते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि इस ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम खराब हो गया। ईवीएम नहीं खराब हो गया, इनका माथा खराब हो गया है, ये पागल हो गए हैं। अब चूंकि अभी आज वैक्सीन पे बोले हैं, जानते हैं क्या वैक्सीन पे क्या बोले हैं? आज का बयान है कांग्रेस ने दिया है कि जो भारत की मूल वैक्सीन है वह गाय के बछड़े के खून से लेके बनाया गया है। सोच सकते हैं आप, सोच सकते हैं मोदी जी के काल में यह हो सकता है? लेकिन किस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित करना है, अब दुनिया के मीडिया में जाएगा कि मोदी जी और यह हिंदू क्या कुकर्म कर रहे हैं इस भारत में, इस भारत को बदनाम करना। क्या कभी राहुल गांधी 370 पे बात करेंगे, लेकिन पीओके मांगे हैं कभी? इनको देखिए, अस्वस्थ विपक्ष होता अगर तो यह जानते हैं क्या मांगते हैं कि मोदी जी आपने 370 तो ले लिया, बहुत खुशी की बात है, पीओके कब लेंगे? ये सवाल जब आता मोदी जी, यह जितने हमारे देश में लोग मरे हैं उसके लिए चीन जिम्मेदार है, चीन के ऊपर आक्रमण कब करेंगे, चीन को दोषी कब बनाएंगे, चीन को कब घेरेंगे, जब यह कहते तब यह इस सीने में, इस देश के नौजवानों के अंदर खून, बात समझ रहे हैं? जो दुनिया के मीडिया उठा आज भारत पे सवाल उठा रही है हमारे प्रधानमंत्री पे, राहुल गांधी कहते कि यह हमारा आंतरिक माला, हमारे देश पे किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, मोदी जी आप इनके ऊपर नकेल कब कसेंगे, जब यह कहते तब इस देश का नागरिक कहता कि हाँ राहुल सही काम कर रहा है। लेकिन इनके हर बयान से आपको एहसास होगा, पूरे देश को एहसास है कि हमेशा इस देश को कटघरे में खड़ा करते हैं। मोदी जी के बहाने इस देश को बदनाम करना, हिंदुओं को बदनाम करना, यहाँ के संस्कृति को बदनाम करना, मंदिर मठ और जो हमारी पुरातन संस्कृति है उसको बदनाम करना, गाय गंगा की पवित्रता पे सवाल उठाना। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं या और नेता और लेफ्टिस्ट बयान दे रहे हैं विपक्ष के नेता, क्या आपको लगता है कि 2022 के जो यूपी चुनाव हैं उससे पहले कुछ षड्यंत्र या कुछ साजिश रच रहे हैं जिससे कि योगी सरकार को बदनाम किया जाए? नहीं, एक इनको एक लगातार हारते हारते एक छोटा सा टॉनिक मिल गया है। वो टॉनिक कहाँ से मिला है समझ रहे हैं? बंगाल से। बंगाल से जो मुस्लिम एक हुए हैं और हिंदू वोट बंटे हैं और जो ममता को सफलता मिली है उसको सोच के ये सोच रहे हैं वही एजेंडा पूरे भारत में लागू किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं है, वह राम और कृष्ण की धरती है। वो जानते हैं कि हम वहाँ से हमेशा राष्ट्रवाद, भगवान राम क्या किए, अयोध्या से निकलते हैं और पूरे भारत को, दक्षिण भारत देख रहे हैं ना, रामेश्वरम में जाके हमारे भगवान भोले शंकर का स्थापना करते हैं, तो पूरे भारत को एक करते हैं। उसी उत्तर प्रदेश से हमारे प्रभु श्री कृष्ण निकलते हैं, गुजरात में जाके मथुरा में, वहाँ जो गुजरात में जाके नगर बसाते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति है पूरे भारत को एक करने में हमेशा योगदान, हम वंशज हैं राम के, हम वंशज हैं कृष्ण के, तो हमें हमेशा वह जो पुराना अखंड भारत चाहिए उसके लिए उत्तर प्रदेश हमेशा उठ के खड़ा होता है, समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लिए हम, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं है। उत्तर प्रदेश इस बार भी इनको इतना मुंह तोड़ जवाब देगा कि इनको फिर ईवीएम चिल्लाना पड़ेगा।